हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फूड के बारे में। हम जो अपने बेटा को कौन सा फूड फीड करते हैं और कितना फीड करना चाहिए एक दिन में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो टैंक है आज ही हमने क्लियर किया हुआ है, वाटर चेंज किया हुआ है 4 दिन के बाद, क्योंकि ये जो वेस्ट होता है टैंक में, जिससे पानी काफ़ी क्लाउडी हो जाता है और ख़राब हो जाता है, जिससे अमोनिया लेवल, नाइट्रेट लेवल बढ़ जाता है। तो हमें हर 4 दिन में वाटर चेंज करना ज़रूरी पड़ता है, नहीं तो हमारी फिश जो है बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि टैंक में फ़िल्टर नहीं है। तो बेसिकली हम टैप वाटर यूज़ करते हैं वाटर चेंज करने के टाइम, और ये एक जो स्टेशनल है उसे यूज़ करते हैं, जो है कि एक वाटर कंडीशनर है। कोई भी एक्वेरियम यूज कर आपके पास हो तो आप वाटर कंडीशनर ज़रूर यूज कीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं फूड के बारे में। ये जो फूड है हमारा मेड इन इंडिया फूड है, दिखा दे तो पैलेट की जो साइज़ है काफ़ी फाइन क्वालिटी है। ओके, और जाके बेटा का जो सवाल है, तो इसे हम 4 से 5 पैलेट्स, छोटे छोटे पैलेट साइज़ है। ओके, तो ये 4 से 5 पैलेट जो है हम इसे फीड करेंगे। वाटर चेंज करने के बाद फिश काफ़ी एक्टिव हो जाती है और जिससे उसका स्टमक क्लियर हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये जो वेस्ट है काफ़ी फ्रेशली उसने किया हुआ है। तो वाटर चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये फूड जो है मैं देखा, काफ़ी इजीली इसने एक्सेप्ट कर लिया पैलेट को। तो ये छोटे साइज़ का जो पैलेट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है हर एक फिश को उसे एक्सेप्ट करने में। तो जैसे कि मैंने 5 पैलेट्स उसे फीड कराए और जो कि उसने पांचों के पांचों पैलेट्स इजीली एक्सेप्ट कर लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो फिन्स के जो बॉर्डर पे जो वाइट बॉर्डर आई हुई है वो इसी फूड का कमाल है। तो फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका वाटर जो है ख़राब ना हो। आपने देखा कि जैसे मैंने पाँचों के पाँचों पैलेट्स वन बाय वन फीड कराए तो उसने इजीली एक्सेप्ट किए। तो इससे पता चलता है कि फूड की क्वालिटी जो है कितनी बेटर है, और ये जो फूड है वो 100% ओरिजिनल हम यूज़ करते हैं। और जिससे आप देख सकते हो, ये जो बॉर्डर फिन है काफ़ी बढ़िया डेवलप हो चुकी है पिछले 10 दिनों में। सो दोस्तों, ये था आज का फूड का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।